अस्सलाम वालेकुम फार्मर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मैं शौकत हुसैन बात कर रहा हूँ असमक बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग से। अच्छा, आज हमारे पास काफ़ी सारे फार्मर्स के जो है वो सवाल आए हैं, तो आज हम इसका जवाब देंगे। और जो नए फार्मर्स हैं वो स्टार्टिंग में काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉकिंग का सीजन है फिश। तो जो जो लोगों के साथ इश्यूज आ रहे हैं वो मैं आज डिस्कस करूंगा। जो पहला सवाल आया है वो ये आया कि जब हम हैचरी से सीड मंगवाते हैं और तो डालने के बाद वो फौरी मर जाता है सीड। अच्छा, इसकी जो मेजर रीजन जो है वो ये है कि सबसे पहले तो आप ये इंतखाब करें कि आपने किस हैचरी से सीड मंगवाना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने किसी ऐसे बंदे को ऑर्डर दे दिया जो सिंपल उसकी कोई हैचरी नहीं हो और वो पॉन्ड से जो है निकाल के आपको सीड दे देगा, अच्छा उसकी पहचान कैसे होती है कि ये प्रॉपर हैचरी का है या जो है वो सिंपल पॉन्ड से उन्होंने निकाल के दिया है? उसकी पहचान ये होती है कि अगर वो जो है वो पॉन्ड से निकला हुआ होगा तो उसका साइज में वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा, यानी कुछ बहुत ज्यादा छोटी होंगी मछलियाँ, कुछ बहुत ज्यादा बड़ी होंगी, एक्यूरेट साइज नहीं होगा। तो ये एक रीजन हो सकता है। सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि जब आपने मंगवाया और जिस हैचरी से मंगवाया है तो वो आप चेक करें, ठीक है? और अच्छा, जो प्रॉपर हैचरी होती है वो क्या करती है उनको भी मैं बता देता हूँ। वो प्रॉपर फिश की ब्रीड कराते हैं और अपने पास रखते हैं उन्हें, और उन्हें फीड पे ट्रेन करते हैं, ठीक है? और जब हम ऑर्डर देते हैं, जैसे मैं एज अ फार्मर एक हैचरी को ऑर्डर देता हूँ, तो जब सीड डिलीवर करते हैं तो उसको प्रॉपर उसकी कंडीशनिंग होती है। पहले पहले उसे कंडीशनिंग करते हैं, उसके बाद उसको सैनिटाइज करते हैं, फिर जो है फार्मर्स को डिलीवर करते हैं। अच्छा, इसके बरक्स अगर हम पॉन्ड वालों को देखें तो वो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं करते, जस्ट वो पकड़ते हैं और फ्रेश वाटर में शॉपर में डाल के डिलीवर कर देते हैं। उससे ये मसला आता है कि पॉन्ड में बीमारियां भी होती हैं, कुछ इन्फेक्टेड भी होती हैं मछलियाँ। तो जब जैसे हम पॉन्ड में डालते हैं तो हम अपने बायोफ्लॉक टैंक्स में, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें देखनी पड़ जाती हैं, जिस वजह से मोर्टेलिटी होती है। और अगर हम प्रॉपर हैचरी से ले रहे हैं तो उसमें ये फायदा होता है कि वो उन्होंने सैनिटाइज भी किया होता है, उसकी कंडीशनिंग भी की होती है, तो कोई तो बीमारी नहीं आती हमारे टैंक्स में। दूसरा ये कि जब हम टैंक्स में डालते हैं तो वो सर्वाइव कर लेती हैं, अच्छी ताकतवर मछलियाँ होती हैं। और जो पॉन्ड वाली होती है उसमें कुछ कमजोर दाने भी होते हैं, कुछ ताकतवर दाने होते हैं, सब मिक्स होता है, तो ये इशू आता है। अच्छा, सबसे पहले सवाल का तो आया, आपको जवाब मिल गया कि आप जब भी सीड डालें तो प्रॉपर हैचरी हो जो सीड प्रॉपर फार्मर्स को डिलीवर करती हो, उनसे सीड लिया जाए। अच्छा, दूसरा ये सवाल आया कि उनकी उन्होंने प्रॉपर हैचरी से भी सीड लिया है लेकिन फिर भी जो है उनकी मछलियां मर रही हैं। तो दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि पानी में अमोनिया बढ़ता है। जब हम पॉन्ड से अगर हम हैचरी से सीड मंगाते हैं और एक दो तीन दिन तक वो सही रहती हैं, उसके बाद जब मछलियां मरती हैं तो उसका रीजन ये होता है कि पानी में अमोनिया बढ़ जाना। अगर पानी में अमोनिया बढ़ेगा तो मछलियां मरेंगी। अच्छा, अमोनिया किन वजहों से बढ़ता है? आपके टैंक में जो है फ्लॉक जो है वो अच्छे से बना नहीं हो। अगर आपके टैंक में फ्लॉक अच्छे से बना हुआ नहीं है तो अमोनिया बढ़ेगा, अमोनिया की वजह से मछलियां मरेंगी। तो दूसरे में आपको ये करना है कि आपने फ्लॉक अच्छे से क्रिएट करना है। अच्छा, फ्लॉक क्रिएट करने के लिए मार्केट में काफी सारे प्रोबायोटिक्स हैं जो अवेलेबल हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं फ्लॉक क्रिएट करने का तरीका, हम भी आपको बेहतर मशवरा देंगे और अच्छे से वो फ्लॉक क्रिएट होगा और आपका अमोनिया कभी बढ़ेगा नहीं। अच्छा, तीसरा तीसरा सवाल यह है कि हमारा फ्लॉक भी सही है, सीड भी सही है, फिर भी मछलियां मर रही हैं। तो ये तीसरी जो वजह है मुझे जो लगता है वो ये है कि पानी का नाइट्राइट लेवल बढ़ जाना। अच्छा, मैं बायोफ्लॉक के अंदर जो सबसे मेन चीजें हैं जो इसकी वजह से मछलियां मरती हैं, एक तो ये कि हैचरी का सही इंतखाब, दूसरा फ्लॉक नहीं बनना, तीसरा नाइट्राइट। अच्छा, जब नाइट्राइट बढ़ जाता है, नाइट्राइट का मतलब ये होता है कि पानी खराब हो जाता है। अच्छा, ये नाइट्राइट में जब बढ़ता है तो ये नाइट्राइट फौरी तौर पर नहीं बढ़ता, नाइट्राइट की वजह से अगर मछलियां मरती हैं तो वो 1 महीने बाद जाके मरती हैं। अच्छा, नाइट्राइट बढ़ता क्यों है, क्या वजह है, इसका रीजन क्या है? अच्छा, नाइट्राइट इस वजह से बढ़ता है कि पानी जो है ना 1 महीने बाद या 20 दिन बाद जो है इसकी ताकत खत्म हो जाती है और उसकी वजह से जो है वो पानी के अंदर नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाते हैं। तो
हम ऐसा क्या करें जिससे जो है वो नाइट्राइड की जो टॉक्सिक चीजें हैं वो खत्म हो, तो और पानी की ताकत भी बहाल हो। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम पानी के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं, जो टीडीएस जिसे हम कहते हैं कि टीडीएस इतना होना चाहिए, एक बायोफ्लॉक का स्टैंडर्ड है, तो वो फिर हम सॉल्ट ऐड करते हैं, उससे जो है नाइट्राइड लेवल कम हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये जो तीन सवाल थे जो काफी लोग पूछ रहे थे, उसके अलावा जो है इसके अंदर काफी चीजें सारी जो है वो चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल डीओ हो गई, अमोनिया हो गया, पीएच लेवल हो गया। तो ये बायोफ्लोक साइंस है, इसे प्रॉपर सीख के करें ताकि जो है आपको कोई इश्यूज ना आए। अच्छा, ये इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि आप सब डर रहे हो कि ये हम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल अनपढ़ लोग भी कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। कोई भी काम करें, सीख के करें, इंशाल्लाह उसमें फिर अल्लाह बरकत डालता है। अच्छा, उसके अलावा आपको किसी भी किस्म की बायोफ्लोक से रिलेटेड कोई भी मसले मसाइल का सामना आ रहा हो, जो समझ नहीं आ रहा हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मज़ीद मालूमात जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो हम आपसे चैनल पे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।